नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल ही शपथ समारोह का आयोजन हुआ था। नीतीश कुमार ने जहां मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया, वहीं तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और उप मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमेंगे और उनके साथ 55 गार्ड भी तैनात रहेंगे जो तेजस्वी यादव की सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा श्रेणी है वो पहले वाई में थी, लेकिन अब उसे वाई से जेड कर दिया गया है। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा तेजस्वी यादव को दी गई है। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। तेजस्वी यादव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली है। इससे पहले उन्हें वाई प्लस की सुरक्षा प्रदान की गई थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को जेड सुरक्षा मिली हुई है। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को भी जेड सुरक्षा मिल चुकी है। आपको बता दें कि जेड सुरक्षा में कुल 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। तो तेजस्वी यादव अब जब सड़क पर निकलेंगे तो उनके साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी। इसके अलावा 55 सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ चलेंगे। तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनते ही जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। आपको बता दें कि कल ही बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनी है। दरअसल नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और भाजपा का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बदल चुके हैं। अब डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो 5 साल के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब उनका ख्याल रखा गया और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।